हम बचे हुए कपड़े से एक सॉक्स बनाएंगे जो हम चप्पल में डाल सकते हैं, सर्दियों में पहनने के काम आती है। उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है, 9.5 इंच लंबा है और 9.5 इंच चौड़ा है। उसके बाद हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हमारा जो पैर का निशान है, नॉर्मल जिसका निशान होता है जो पैर का, वो 5.5 पर होगा बंद। इस तरह से 5.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, 1 इंच की चौड़ाई लेकर इस तरह से एक लंबा निशान लगा लेंगे जो हमारा बचा हुआ कपड़ा, और इस तरह से उसको गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से गोलाई होकर तैयार हो गई है। हमने 2 इंच चौड़ा ये कपड़ा लिया है पूरे वाला। इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और एक किनारी पर सिलाई लगाते हुए इसे अटैच करेंगे। हम इसे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और किनारी पर इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हो, लेकिन सिंपल ही मैं इसको सिंपल ही बना रही हूँ, इसलिए इस तरह से कपड़े को सील कर रेडी कर लेंगे। इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर किनारी पर हम गोलाई देते हुए नीचे की एक तरफ एक सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ऐसे जो हमारा गोलाई का कपड़ा, हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से बीच से सेंटर करेंगे। उसके बाद हम अपने अंगूठे और उंगलियों का जो निशान है वो लगाएंगे यहाँ पे। हम उंगलियों का निशान लगा लेंगे और ये हमारा अंगूठे का निशान लगेगा। कान के ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ गोलाई देते हुए ये हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा ये हमारा कपड़ा है, हम इसे कट कर लेंगे। और कैंची से ये इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। ऐसे हमारा पलटने के बाद ये अंगूठे वाली सॉक्स बनकर रेडी हो गई हैं, जो बिल्कुल 5 मिनट में बहुत आसानी से बन जाती है। इसलिए सर्दियों में आप चप्पल में डाल सकते हो या शूज में भी इसको डाल सकते हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सॉक्स कैसी लगी। थैंक यू।